अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है चॉकलेट कपकेक, जो कि विदाउट ओवन बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं बताऊँगी कि हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। बेकिंग पाउडर है हमारे पास 2 टीस्पून, जो कि बराबर लेवल में है। बराबर लेवल इस तरीके से होगा जैसे कि मैं मैदे पर करके बता देती हूँ, ऐसे लिया तो हमने बाकी का साइड पर कर देना है। ये है 1 टीस्पून। ऑयल है हमारे पास 1/2 कप। बेकिंग कोको पाउडर है हमारे पास 1 टेबलस्पून। एग है हमारे पास 2 अदद। शुगर है हमारे पास 1/2 कप। मैदा है हमारे पास 1 कप। अब मैं बताऊंगी कि इस पॉइंट पे आपने क्या करना है। अगर आपके पास ओवन है तो उसको प्री हीट कर लें 180 पे 10 मिनट्स के लिए। तो मैं बना रही हूँ देशके में, जो कि चूल्हे पे बनेगा। तो सबसे पहले हम उसको करेंगे प्री हीट, उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे ताकि उसको हीट मिले। ये देचका लिया है हमने, इसके अंदर मैंने रखी है बजड़ी। कुछ लोग रखते हैं, कुछ नहीं रखते। मैं रखती हूँ, इससे हीट अच्छी मिलती है। इसके बाद अगर आपके पास इस तरह कुछ है, स्टैंड वगैरह रखें, नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मत रखें। ये रख दिया। सबसे पहले आपने ये काम करना है, उसके बाद ढक्कन। तो फ्लेम ऑन करते हैं। हीट मैं बताऊँगी आपने कितनी रखनी है। इतना हम रखेंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हम करते हैं अपना बाकी काम। अगर आपके पास ये मेजरमेंट्स कप हैं तो उसका ये वाला साइज़ है, जो कि मैदा अगर आप इसमें करें या इसमें करें बराबर ही होगा। 1/2 कप जो ऑयल और शुगर मैंने ली थी वो ये है। अगर आप कप यूज़ कर रहे हैं तो इसी का 1/2 कर लें। अब सबसे पहले हमने ये काम करना है कि बेकिंग पाउडर और मैदे को 3 दफ़ा छान लेना है अच्छी तरह। मैदा और बेकिंग पाउडर डाल के मैं इसे छान रही हूँ। मैं कपकेक के लिए ये सांचा यूज़ कर रही हूँ, इसको हम ग्रीस कर लेंगे। अच्छी तरह ग्रीस करने से ये ग्रीस हो गया। सबसे पहले हम लेंगे 2 अंडे की सफ़ेदी। जल्दी थोड़ी चली गई थी, मैंने निकाल लिए ऐसे करके। आप निकाल लें। अंडों को अच्छी तरह पहले वॉश कर लें। जर्दी और सफ़ेदी हमने अलग अलग कर ली। सबसे पहले बीट करेंगे हम सफ़ेदी को। इसको हमने इतना बीट करना है कि इसकी जाग बन जाए। जाग बन चुकी है, ये चेक करें। अब हम इसे बंद करके डालेंगे ऑयल। ऑयल के साथ ही जाएगी हमारी जर्दी। अब 5 मिनट फिर बीट करेंगे।
हमने बीट किया है कि जर्दी का रंग जो है वो चेंज हो गया है। अब डालेंगे शुगर, दो से तीन मिनट के लिए हमने बीट किया था, अब हमने इसको बंद कर देना है। अब हम सारा काम करेंगे स्पैचुला का, अब बीटर का इसमें कोई काम नहीं है। बीटर को एक साइड पे कर लेते हैं। मैदा जो हमने छान लिया था इसको आपने एक साथ नहीं डालना, वरना आपके कपकेक्स बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, स्पैचुला से मिक्स करें, एग बीटर से बिल्कुल नहीं करना। अगर स्पैचुला नहीं है तो आप कोई चम्मच ले लें। आपको मैं किसी दिन एग बीटर के बगैर भी बताऊंगी बनाना, जो कि आप फॉक की मदद से भी बना सकते हैं, वो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ डाला तो हमारा इस तरह का मिक्सचर बिल्कुल नहीं बनेगा। कोको पाउडर हम एक साथ नहीं डालेंगे, वो आपको देखना पड़ेगा एंड तक कब जाएगा। साइड से आप साफ कर लें अच्छी तरह, और फिर हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। हमने यूज़ किए थे 2 eggs और कपकेक्स बनेंगे 12। आप ये लंच में भी दे सकते हैं, टी ब्रेक में भी, और बेकरी से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब आप एक बार ट्राई करेंगे। मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, ये चेक करें, ऐसे होना चाहिए आपका। अगर आपका कहना है मिक्सचर थिक हो जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि आपका मिक्सचर ऐसे नहीं हुआ। ये करने के लिए आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं 2 से 3 tablespoons, तो सेम आपका मिक्सचर ऐसे ही हो जाएगा। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी दूध ऐड करने की, मैं नहीं कर रही। अब जो चीज़ हमने करनी है एक ये कि कोको पाउडर हम कैसे यूज़ करेंगे। हमने बनाने हैं चॉकलेट कपकेक, तो दोनों चीज़ों का कलर आना चाहिए। उसके लिए मैं ये करूँगी कि हम यहाँ से लेंगे मिक्सचर और डायरेक्ट डालूँगी मैं इस बाउल में। इतना बहुत है, इसको हमने इसमें डाला, स्पून की मदद से हमने करना है मिक्स चॉकलेट कलर देने के लिए। मिक्स हो गया हमारा अच्छी तरह। अब हम लेंगे सांचे, सबसे पहले नीचे डालना है हमने। ये वाला मिक्सचर तकरीबन 1 teaspoon डालेंगे सारों पे। इसी तरह हम सब पे डाल लेंगे। ये डाल चुके हैं, अब हम भर के 1 tablespoon डालेंगे इसके ऊपर अपना ये मिक्सचर। साइड वाली जगह हम कर लेंगे बाद में साफ। सारों में हमने डाल लिए हैं। अब हम लेंगे फॉक, आप टूथपिक भी ले सकते हैं।
इससे बस हम हल्का सा यूं करेंगे, बस ऐसे करके आपने छोड़ देना है। अब हम इसे रखेंगे देचके में, प्रीहीट किया हुआ था हमने। अब हम रखेंगे इसमें 10 मिनट के लिए, हम रख रहे हैं 8 मिनट के बाद तकरीबन मैं चेक करूंगी इसे, बताऊंगी कि कैसे पता चलेगा कि हमारा ये तैयार हो चुका है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा वेट। अब हम 5 मिनट के बाद चेक करते हैं कि कितना टाइम लगेगा मज़ीद, या बन चुके हैं कि नहीं। गर्म है तो इसे आप किसी कपड़े से पकड़ें अच्छी तरह। चेक करने का तरीका यह है कि फोक लिया हमने, इसका मतलब कि मज़ीद टाइम लेगा। आप देख रहे हैं कि फोक के साथ लगा है। अब हम चेक करने लगते हैं 5 मिनट के बाद दोबारा। बार बार आपने ढक्कन नहीं उठाना, जो हीट है वो बाहर निकल जाएगी। पहले हम उसी को चेक करते हैं, जिससे चेक करें फोक हमारा बिल्कुल साफ है, इसका मतलब तैयार है। हम फ्लेम अपना बंद कर देते हैं, इसको निकाल लेंगे। कपकेक्स तैयार हो चुके हैं। आप मेरी रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट्स करके बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए बेल आइकन को प्रेस करें। एक कपकेक मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि कितना सॉफ्ट है। इसको मैं कट करूँगी, ये लुक है इसकी। नौ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।